क्या दोस्तों, मैं अभिषेक राठौर श्री सिद्धार्था प्रॉपर्टीज से आज आपके लिए लेके आया हूँ 2 BHK का एक बिल्डर फ्लोर। अगर लोकेशन की बात करें तो राजापुरी के अंदर है। साथ में बताना चाहूँगा जो ये हमारा फ्लैट है, सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल करता है। सबसे मेन है ये सिंगल यूनिट है, इंडिपेंडेंट फ्लोर है, एक फ्लोर पर एक ही फ्लैट है। टोटल 4 फैमिलीज रहेंगी। नीचे कार पार्किंग दे रखी है, 4 गाड़ियों का स्पेस है नीचे। साथ में बताना चाहूँगा ये जो हमारा फ्लैट है 2 साइड ओपन है। नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर सिंगल साइड फ्लैट होते हैं, और यहाँ तक कि जो 100 गज के फ्लैट होते हैं वो भी सिंगल साइड होते हैं। ये हमारी इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, छोटा फ्लैट है, 2 BHK है, 60 गज का, 2 साइड ओपन है। अगर पार्किंग की बात करें तो पार्किंग के अंदर हमने पूरा वॉल टू वॉल टाइल वर्क करवा रखा है, रूफ हाइट तक की टाइल्स हैं। जो भी अब पार्किंग का स्पेस रहेगा उसमें आपकी मेंटेनेंस फ्री हो जाती है। साथ में पार्किंग के अंदर फॉल्सलिंग कर रखी है। अभी बिल्डिंग में अभी थोड़ा सा काम पेंडिंग है, इसलिए मैं पार्किंग नहीं दिखाऊंगा अभी आपको। और साथ में अभी फ्लैट्स में भी काम अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। अगर इस फ्लैट में लोन की बात करें तो 90% ईजिली लोन अवेलेबल है। प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी है। साथ में ये स्प्लिट AC की फिटिंग दे रखी है, डबल वॉशरूम के साथ है। और जो सबसे मेन बात है वो है इसके अंदर जो दोनों बेडरूम है वो दोनों ही मास्टर बेडरूम है, क्योंकि दोनों के साथ अटैच वॉशरूम है और दोनों के साथ अटैच बालकनी है। चलो ना देरी करते हुए जल्दी से अपना फ्लैट दिखाते हैं आपको। जब हम आगे अपने फ्लोर पे, सबसे पहले स्टेयरकेस दिखाना चाहूँगा। काफ़ी कंफर्टेबल स्टेयरकेस दे रखा है, ग्रेनाइट का यूज़ करा गया स्टेयरकेस पे। ये हमारा फ्लैट का एंट्री गेट है। गेट की बात करें तो 3.5 फीट चौड़ा एंट्री गेट है, दोनों तरफ सनमाइका मिल जाती है। साथ में हैंडल लॉक दे रखा है गेट के। एंट्री करते हैं अपना लिविंग रूम की तरफ। ये हमारा लिविंग रूम है, साइज़ की बात करें तो 13x9 का लिविंग रूम है, जिसके अंदर आपको एक वॉलपेपर मिल जाता है। वॉल पे यहाँ पे आपका टीवी पैनल दे रखा है, इजीली आप अपने टीवी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। टीवी पैनल के ऊपर आपको स्लैब्स मिल जाती हैं अपने सेटअप बॉक्स वगैरह रखने के लिए, और नीचे ड्रॉस दे रखी है अपना रिमोट वगैरह रखने के लिए। साथ में इसमें स्प्लिट AC की फिटिंग कर रखी है लिविंग रूम के अंदर। AC लगाने के लिए तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे MCB दे रखी है AC के लिए। फॉल सीलिंग की बात करें तो बहुत ही डिसेंट फॉल सीलिंग कर रखी है। अभी इसके अंदर कॉब लाइट्स रखनी रहती है हमारी। हम चलते हैं अपनी किचन की तरफ। बिल्कुल सेपरेट हमारा किचन है, किचन के अंदर काफ़ी अच्छी प्राइवेसी है। साइज़ की बात करें तो 9x5 फीट की हमारी ये किचन है, जिसके अंदर हम यहाँ पे आपको चिमनी इंस्टॉल करके देंगे। पूरा मॉडुलर किचन है, ये मॉडुलर किचन्स की बास्केट्स हो गई। अगर ऊपर कैबिनेट्स की बात की जाए तो अंदर बाहर दोनों तरफ सनमाइका का यूज़ करा गया है। यहाँ पे हमारा सिंकेज एरिया आ जाएगा, और टाइलिंग कर रखी है हमने 5x5 फीट तक की टाइल्स हैं, ताकि आपका जो किचन का एरिया है वो गंदा ना आए, और उसके ऊपर हमने टेक्सचर पेंट कर रखा है। साथ में किचन के अंदर फॉल सीलिंग दे रखी है। हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि मास्टर बेडरूम है। जैसे कि मैंने बताया था कि इस फ्लैट के अंदर दोनों ही मास्टर बेडरूम है। अगर रूम के साइज़ की बात करें तो करी जाए तो 12.5x10 फीट का हमारा ये रूम है, जिसके अंदर आपको वॉलपेपर मिल जाता है इस वॉल पे। साथ में आपको अलमीरा दे रखी है यहाँ पे। अगर अलमीरा की बात करें तो अंदर बाहर दोनों तरफ सनमाइका मिलती है। बहुत ही डिसेंट फॉल सीलिंग कर रखी है। अभी फॉल सीलिंग के अंदर लाइट्स एंड कोबलेट्स लगनी रहती है, और साथ में इसके अटैच हमारा एक वॉशरूम है। अगर वॉशरूम की साइज़ की बात करें तो 4x5 का हमारा ये वॉशरूम है। वॉल टू वॉल टाइल वर्क कर रखा है, कंप्लीट सैनिटरी फिटिंग्स रहेगी, और वेंटिलेशन है वॉशरूम के अंदर जो कि बालकनी साइड पे है। अगर इस रूम में हम वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारी विंडो मिल जाती है, काफ़ी अच्छे साइज है विंडो का। ऊपर विंडो AC इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे AC के पॉइंट्स आ गए। यहाँ पे हमने TV का प्रोविजन दे रखा है, इजीली अपना TV इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ अटैच हमारी एक बालकनी है जो कि फ्रंट साइड की है। ये हमारी बालकनी है, यहीं से एक बार रोड दिखाना चाहूँगा, काफ़ी चौड़ा रोड है। और साथ में बालकनी में आपको स्टेनलेस स्टील की रेलिंग्स मिलती हैं। हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। जैसे कि ये 2 साइड ओपन फ्लैट है, तो दोनों तरफ इसमें बालकनी है, क्रॉस वेंटिलेशन है पूरे फ्लैट के अंदर। इस वॉल पे भी हमने जो है अपना वॉलपेपर लगा रखा है, इजीली आप इसके ऊपर अपनी सीनरीज वगैरह लगा के, फोटो फ्रेम्स लगा के काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम आगे अपने सेकंड बेडरूम के अंदर। अगर सेकंड बेडरूम की भी साइज़ की बात की जाए तो 12.5x9 का हमारा ये बेडरूम है। इसमें आपको वॉलपेपर मिल जाता है, इस वॉल पे काफ़ी अच्छा वॉलपेपर दे रखा है, और डिसेंट फॉल सीलिंग कर रखी है फ्लैट के अंदर। इसके साथ भी सेम हमारा वॉशरूम है, 4x6 का वॉशरूम है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है। इस रूम में भी यहाँ पे TV का प्रोविज़न मिल जाता है, यहाँ पे आप अपना TV इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम वेंटिलेशन है,
आप अपना ऊपर विंडो एसी इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ में अटैच बालकनी है। अगर बालकनी की बात करें तो सेम साइज़ की बालकनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं नेचुरल लाइट आ रही है। यहाँ पे आपका वॉशिंग का एरिया दे रखा है, ड्रेनेज है, इलेक्ट्रिक पॉइंट है और साथ में टैप दे रखा है। फ्रंट जैसे कि आपने हमारा फ्लैट देखा, 2 BHK का फ्लैट है, 2 साइड ओपन, इंडिपेंडेंट फ्लोर है, 2 मास्टर बेडरूम के साथ हमारा फ्लैट है, 60 गज का फ्लैट है। लोन की अगर बात करें तो 90% ईजिली लोन अवेल कर सकते हैं। जैसे कि अब हम अपनी वीडियो के एंड में आ गए, तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो इसके अंदर 4 फ्लोर हैं और अभी हमारे पास 4 यूनिट्स अवेलेबल हैं। अगर अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की बात की जाए तो अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर इसका है 28 लाख रुपीज़ का और सेकेंड और थर्ड फ्लोर के साथ हम रूफ रेट दे रहे हैं वो है 27 लाख रुपये का। आप नॉर्मली 2.5 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करके जाएँ ईजिली अपना लोन करवा सकते हैं और अपना फ्लैट बुक करवा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।